bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज लाइव। दोस्तों, 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को झटका देने की तैयारी में जुटी हुई है मायावती। अमेठी और रायबरेली को लेकर बीएसपी का बड़ा ऐलान हो गया है। पूरी जानकारी क्या है, चलिए जानते हैं। जी हाँ, बात करें तो चुनाव आयोग अब किसी भी समय लोकसभा के चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। इस लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के जिस सीट पर लोगों की अभी से सबसे ज्यादा नजर है, रायबरेली और अमेठी उनमें से एक है। गांधी परिवार की पारंपरिक सीट कहे जाने वाली यूपी की इन दोनों सीटों से कांग्रेस की ओर से कौन चुनाव लड़ेगा अभी ये तय नहीं है, लेकिन मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी अमेठी और रायबरेली से कांग्रेस को झटका देने की तैयारी में जुट गई है। बसपा का बड़ा ऐलान हो गया है। जी हाँ, बता दें कि एक चैनल से बातचीत करते हुए बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि बहुजन समाज पार्टी इस लोकसभा चुनाव में यूपी की सभी 80 सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ने जा रही है। तो वहीं बहुजन समाज पार्टी क्या रायबरेली और अमेठी में भी अपने उम्मीदवार उतारेगी? इस सवाल पर बहुजन समाज पार्टी के नेता ने कहा कि इस चुनाव में पार्टी सभी सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारेगी। अमेठी और रायबरेली में पहले भी बसपा ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं और इस लोकसभा में भी वो चुनावी मैदान में उतरेंगी। वहीं लोकसभा चुनाव में बसपा किसी गठबंधन के साथ चुनावी मैदान में जाएगी? इस पर विश्वनाथ पाल ने कहा कि पार्टी सुप्रीमो ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि वो अकेले लोकसभा चुनाव लड़ेगी, तो गठबंधन का कोई सवाल ही नहीं उठता है। कांग्रेस ने अभी तक नहीं खोले हैं पत्ते। गौरतलब है कि सोनिया गांधी ने पिछले दिनों खुद को चुनावी राजनीति से अलग कर लिया। राजस्थान से वो राज्यसभा पहुंची हुई है। अमेठी से राहुल गांधी लोकसभा चुनाव 2019 में करारी हार झेलनी पड़ी थी। फिलहाल केरल के वायनाड से वो अभी सांसद हैं। कांग्रेस इन दिनों गांधी परिवार की पारंपरिक सीट पर एक बार फिर इसी परिवार का कैंडिडेट को देना चाहती है। हालांकि अभी तक कांग्रेस ने ऐलान नहीं किया है कि अमेठी और रायबरेली से कौन चुनावी मैदान में उतरेगा। बता दें कि यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ने जा रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि भाई मायावती जब अपने कैंडिडेट को यहां पे उतारती है तो कांग्रेस पार्टी को कितना नुकसान झेलना पड़ता है। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में।